निगम चुनावों में प्रत्याशियों की हार की खिसियाहट व जीत की उदंडता उम्मीदवारों के ऊपर हो रहे हमलों के रूप में सामने आ रही है। पठानकोट में ऐसे लगातार दो मामले सामने आए हैं। भाजपा नेता विजय काटल पर हमले का मामला अभी थमा नहीं था कि वार्ड नंबर 35 से उम्मीदवार रजनी महाजन के पति व पूर्व पार्षद राजू महाजन पर हमले से हड़कंप मच गया। राजू महाजन ने इस मामले के पीछे विधायक अमित विज व उनके भाई आशीष विज का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई ना हुई तो वे विधायक विज के घर के सामने आत्महत्या करेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने जल्द इस मामले में हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी जिला पठानकोट वालों आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पहले तो कल साडा रोड शो निकलिया ही, कल इन्हें साडा मेरा छोटा भरा ही डॉक्टर वो भी पहले ना उसे हमला किया, गड्डी से चढ़ के सारा डीजे तोड़िया, गड्डी तोड़ी प्लस वो बाद उन्होंने चपेड़ा मारिया और वह गला घोटिया डॉक्टर बोवी का। अज हूँ अं राती रोटी खा रहे हैं, रोटी खाने वेले हले अंदर बड़े ही हाँ, इन्हों के छे बंदे आए ने, छे बंदे ही बड़े नारे लाया, बड़ा धमकियाँ दी और सारा महला इकट्ठा हो गया। उन्नी दिन दौड़ गया फिर वापस आया, जिले महल अंदर बढ़ गया फिर वापस आया, दो चक्कर लाया और वो गंदिया गाला कटिया और साढ़े घर के आन के कहते अं जानो मार देंगे। ये मैनू दीपू भलवान, दीपू भलवान कच्चे क्वार्टर वाला और अमन सिंह मोता और सोमे सैनी का मुड़ा सन्नी और सोनू 302 के सदा सजा कट गया है, सोनू जरा सारा टब्बर जेल कट गया, सोनू रोड़ा ये बंदे ने, इन्होंने बंद ने जीना आराम किया साढ़े कल तो, और मेन गैंग गैंगस्टर है सोनू रोड़ा और लक्की भलवान, इन्होंने किया सारा गांड ये करवा रहे हैं। और जे कोई गल होंगी है, कोई भी गल होंगी है, यह जिम्मेवार है। पर मैं एक फोन किया SHO डिवीजन नंबर 2 उन्होंने मेरा साथ दिता है, SHO मौके से आ गया, बलविंदर ड्यूटी से ही बलविंदर जैसे वो मौके से आ गया, PCR मौके से आ गया, मैं झूठ नहीं बोलागा। पंजाब पुलिस ने साड़ी हुण फुल मदद की है, मदद की है, पर पंजाब पुलिस 24 घंटे साढ़े थोड़ी बैठेगी, पंजाब पुलिस 24 घंटे नहीं बैठेगी। मेरी SSP नाल भी गल भी हुई है, मेरी DSP रजिंदर मनास नाल भी गल हुई है, पर ये कितने कितने राजनीतिक बो आ रही है सानू, जिदे कल कोई घटना होंगी है मैं MLA की कोठी के बाहर MLA की कोठी के बाहर सुसाइड कराँगा। मैं लिख के देना थोड़ा, मैं सुसाइड मैं मन तो नहीं डरता, मैं MLA की कोठी के बाहर सुसाइड करा क्योंकि ये MLA हाथ है। पंजाब पुलिस बिल्कुल साफ चल रही है, पंजाब पुलिस का कोई रोल नहीं है, डिवीजन नंबर 2 वाला SHO वधिया, बहुत वधिया SHO है, उन्हें साड़ी ठोकवी मदद की है, बलविंदर ड्यूटी वाला ड्यूटी अफसर उन्होंने मदद की है, सारे PCR मदद की है, पर वो बंदे मुंड नहीं डे, इन्होंने हुणे जाना होना फिर आना, इन्होंने जाना फिर उन्होंने आना, सानू इन्हें कोई खतरा है? और जे कोई मेरे बच्चों जे मेरे परिवार को जे मेरी जनानी किसी भी मेरे रिश्तेदार भैनों भरावों मेरे जो कार्यकर्ता है जा डॉक्टर बोवी का परिवार है जा साहिल जा हिमाचु कई कोई भी अगले सन्नी और लाडी होरी कोई भी महल्ले कोई घटना होंगी है गुरु नाम नाल सारी जिम्मेवारी इन बंद की है। ये बंदे साढ़े बंद बारी बारी लभ के कुट रहे हैं और इन्हों की सारी जिम्मेवारी जी इन्हों की मैं लाँगा भी मेरे बंद ने मेरे कार्यकर्ता जे इन्हों कोई हमला हों मैं भी MLA के घर के बाहर सुसाइड कराँगा और पंजाब पुलिस मैं जिंदाबाद कहाँगा। पंजाब पुलिस ने साडा पंजाब पुलिस का कोई कसूर नहीं, पंजाब पुलिस ने मौके साडा साथ दिता है, पर MLA दे विच जरूर बदबू आ रही है, MLA दे विच जरूर हाथ है और आशीष विज का आशीष विज दे विच नाल रलिया होया। रजनी देवी जीत के आई है, ये 3.25 के करीब मेरे घर पर पहले उन्होंने मेरा गेट खड़काया, जब मैंने नहीं गेट खोला इन्होंने जबरदस्ती गेट खोल के मेरे बेडरूम तक अंदर आ गए और वहाँ पर नारेबाजी करने शुरू कर दी और मुझे जलील किया। मैंने जब इनको मना किया तो इन्होंने मेरे से हाथापाई की और मुझे ये धमकियां दे के चले गए। मैंने पुलिस को SHO को और 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस मेरे घर पे आई, SHO साहब आए कि आप कुछ नहीं होता, मैंने कहा इन्होंने धमकियां दी है ये मेरे पर पूरा फिर हमला करेंगे। उसके बाद एक आदमी पुलिस वाला मेरे गेट के बाहर बैठ गया, 5 बजे के करीब वो आदमी भी चला गया और रात 7 बजे उन्होंने हमारे घर पे आके मेरे चाचा जी के घर पे मेरा पूछते हुए मेरे चाचा जी के घर पे चले गए अंदर, वहाँ पे उन्होंने आके गुंडागर्दी करने की शुरू की। जब तक कि वो कुछ करते हमारे लड़कों ने उसको पकड़ लिया और उसकी जी उनके पास अफीम थी, पुक्की थी और तो ये जिंदा जागता हमने जो उसको छीन लिया है और उनको पुलिस के हवाले किया।
पुलिस ने हमें पूरा यकीन दिलाया, डीएसपी साहब आए, एसपी साहब आए कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आप अपने आदमी को शांत कर लो। पर मैंने अपने आदमी को शांत कर लिया, पर पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो व्यक्ति एक डिम्पी टाइगर है, एक राजपाल है, एक मोनू बठिंडा है, एक बंटी है, रजनी और जीवन, इन्होंने मेरे को पूरे पहले घर पे भी 3 बजे 3:15 बजे भी किया जलील, और रात को जो अपने साथियों के साथ आए और उन्होंने पूरा गुंडाराज किया। गंभीर नोटिस लेंदी है प्रशासन तो, ये मांग कर रही है कि इमीडिएटली तुरंत जिन्हें लोगों ने साढ़े कार्यकर्ता से हमला किया है उन्हें तुरंत कार्रवाई करे और FIR दर्ज करके उन्होंने अरेस्ट करे। एक इंसीडेंट सी साढ़े विजय काटल जी जेडे इलेक्शन लड़े और 6 वोटों हारे है, सिर्फ 6 वोटों हारे है, उन्होंने घर द्वार प्रदर्शन किया, उन्होंने जाके प्रदर्शन करके गंदी गाना गुंडागर्दी नाच किया है। ये दराट मेरे को दराट इस तरह के कई दराट लेके आए थे, लेकिन एक उन्होंने गुंडा काबू आ गया, उसके तो साढ़े लोगों ने दराट खोया। अब तुहाडे सामने मैं दिखा रहा कि तेज़ है, अगर ये दराट चलते साढ़े लोगों के कार्यकर्ता ने बहुत संयम के नाल अपना रखिया कंट्रोल किया और नहीं झगड़े पे, लेकिन उन्होंने वालों कोई शक नहीं जी मारकुट आई, उन्होंने जो गलत किया इस तरह ने राजू महाजन जी है साढ़े MC उन्होंने किया, उन्होंने परिवार अज सारे लोग जनता उन्होंने सब लेडीज़ जिन्हें भी औरतें वो कह रही हैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस साढ़े सामने करो, शरेआम करो, असी लोग भी दसीए भी गुंडागर्दी का नाच इन्होंने किया, असी एक गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना भी ऐसे काम करने तो आवाज आन और एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली और पूरा उन्होंने खिलाफ जो भी साढ़े को होगा असं भी करने फिर पूरे होवे आजाद होवे। रिजल्ट के बाद ही तुरंत ही जो है भाजपा के जो पार्षद खड़े हुए थे उन पर हमले होने शुरू हो चुके हैं, क्या कारण लगता है और ये कहाँ स्पष्ट होता है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे, इसका प्रूफ भी है कि आपके पास? ये जो हमने लिया है ये प्रूफ है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता से ही छीना है। और अब क्यों नहीं किसी के और किसी पे हमले क्यों नहीं हो रहे, हमारे लोगों पर क्यों हमले हो रहे हैं? उसका कारण जो कांग्रेस के गुंडे हैं वो अपनी जिद निकालने के लिए और हमारे लोगों को डरा रहे हैं। पुलिस बाहरों ले जमटाल तो नहीं, जमटाल तो अभी थोड़े लिया, कांग्रेस वाले लेके आए गुंडे उन्होंने, वो कितों भी लेके आए, सानू इस नाल कोई शंकर सानू है भी ये काम जो किया कांग्रेस के लोगों ने किया उन्होंने नाल कौन लोग आए वो ही दसंगे। कार्रवाई असं SSP साहब नूं मिलन जा रहे हैं, कार्रवाई लिए मांग करांगे तुरंत कार्रवाई मांग। सर लोकतंत्र है, चुनाव आने जाने होते हैं, कोई जीतता कोई हारता, मगर ऐसा जो गुंडागर्दी जो पठानकोट में फैलाई जा रही है क्या कहना उसके बारे में? आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी पावर में रही है, हमने कभी भी हमारी पार्टी ने कभी भी ऐसे गुंडागर्दी का नाच नहीं किया, हमने किसी को प्रेशर में नहीं लिया। वोट डालने से पहले लोगों के घरों में फ़ोन जा रहे हैं, उनको सामने खड़े होकर धमकाया जा रहा है कि अगर आपने भाजपा को वोट डाला तो आपका ये करेंगे। आप बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, छोटे छोटे कारोबारी हैं, कई किस्म के उनको प्रेशर दिए जा रहे हैं, कोई इनकम टैक्स का दे रहा है, कोई नमूने भरने का दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, ये क्या बात है? गाला गुला कड़ रहे हैं तो इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पोंड किया, मैं भी आया खुद, मेरे PCR आ गए, ड्यूटी अफसर इतने आ गया, वो जो बंदे उत्थे भज भुज के जो कोई शरारती बंदे वो भज गए उत्थों, असं आ गया सिचुएशन ठीक है, हुण उन्होंने घरे कहता भी जिहदे खिलाफ भी जो भी है आप चैक कर लगे, जिहड़े जिहड़े बंदे है उन्होंने जल लगे, बदमाशी कोई नहीं करन देंगे बिल्कुल नहीं किसी भी। तो सर कोई पहचान वगैरह होगी कि मुंडे से? हाँ जी, कुछ 2-4 बंदे दे नाल आ रहे ने ते उन्होंने वाले ही चले जी। हुण रागी होम डेकोर Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट,
जैसी खूबियों से भरी शीट्स। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।